DHM Music presents DHM Music. सब्सक्राइब कीजिए हमारे DHM Music चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी हर नई वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। विशाल रूप छोटा सा करके हनुमान जी माँ के सामने गए, अंगूठी रखी राम जी की, हाथ जोड़े कि माँ मैं राम जी का सेवक हूँ, संदेशा लेकर आया हूँ कि राम जी जल्दी ही आएंगे और आपको इस रावण की लंका से ले जाएंगे। तो उस समय जब इतना कहा तो माँ सीता जी की आंखें एक सवाल कर बैठी, माँ ए हनुमान तुम इतने छोटे से इतने बड़े बड़े रावण के ये दानव कैसे जाओगे राम जी तक वापस? आ तो गए हो पर जाओगे कैसे और क्या राम जी तक संदेशा सुना दोगे? एक सवाल खड़ा कर दिया। तो जैसे ही सवाल खड़ा किया तो हनुमान जी को गुस्सा आया, गुस्से में आकर आव देखा ना ताव, सूक्ष्म रूप त्यागा और अति विशाल रूप धारण करके खड़े खड़े इतना विशाल मैया देखती गई और हनुमान जी का रूप बढ़ता गया। कहने लगे माँ वो तो मुझे आज्ञा नहीं थी राम जी की, मुझे आज्ञा नहीं थी राम जी की, अगर आज्ञा दी होती तो क्या करता माँ? आप तो बोलती हो एक रावण, अगर 1000 रावण भी पैदा हो जाते तो आपको इस रावण की लंका से ले जाने से नहीं रोक सकते थे। इतनी शक्ति है तेरे बेटे की इन बाजू में जो मानते हैं। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोले बालाजी महाराज की। जितने भक्त दरबार में बैठे हैं देखिए सभी दोनों हाथों की ताली के साथ सभी राम जी की धुनी सभी लगाएंगे इस भजन में, किसी का हाथ नीचे ना हो। एक बार दोनों हाथ उठाकर राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। आज्ञा नहीं है मुझे किसी और काम की, आज्ञा नहीं है मुझे किसी और काम की, तो चट्टान तैर गई।
से नहीं समझ आती। लेकिन जब रावण घर गया तो मंदोदरी ने सवाल किया, सारी दुनिया मान ले पर मैं नहीं मान सकती, जरूर दाल में कुछ काला है। तब रावण ने कहा, ए मंदोदरी सुन, मुझे तो पता है मैं कैसा हूँ। मैंने जैसे ही पत्थर उठाया, उठाकर कहा, ए पत्थर तुझे राम जी की दुहाई, जो तू ना तैरे वो पत्थर पानी में तैर गया। तो जिसके नाम से पत्थर पानी में तैर जाते हैं फिर हम तो इंसान हैं। एक बार दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाकर और तालियों के साथ, राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 राम सिया राम सिया राम सिया राम। माँ सीता जी की बातें सुनकर हनुमान जी को क्रोध आया और क्रोध में आकर क्या किया, न झूठी शान करूँ ना अभिमान करूँ, न झूठी शान करूँ ना अभिमान करूँ, प्रभु का ध्यान धरूँ राम गुणगान करूँ, प्रभु का ध्यान धरूँ राम गुणगान करूँ, सच्चे दया की धाम है रघुकुल की शान है, सच्चे दया की धाम है। बल कौन है? अगर भजन ध्यान से सुना है तो बताइएगा, बल कौन है? बल हूँ मैं हनुमान जी, और बल के धाम, एक बार बोल दो भाई, क्या बात है। एक बार दोनों हाथ उठाकर सभी गाइए मेरे साथ, बल हूँ मैं बल के धाम वो सौगंध राम की, बोलो। एक बार दोनों हाथ उठाकर राम जी की धुनी लगाएंगे, राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 राम सिया राम सिया राम जय राम। विश्वास कर लो माँ मेरा, विश्वास कर लो माँ मेरा, आएंगे राम जी, रावण को दंड दे के ले जाएंगे राम जी, रावण को दंड दे के ले जाएंगे राम जी, तब तक न खोना धैर्य माँ, तब तक न खोना धैर्य माँ, दुष्टों को मार कर प्रभु बैठे विमान पर, ओ दुष्टों को मार कर प्रभु बैठे विमान पर, ओ बोली उसी तमाग्र पाजनी के दान पर, ओ बोली उसी तमाग्र पाजनी के दान पर, लहरी कहाँ वो कर दिया, जो भी कहाँ वो कर दिया, सौगंध राम की।
ऐ मेरे प्रभु राम, आपने तो आते आते देर लगा दी, लेकिन जो हनुमान जी आए और आकर इस रावण की पूरी लंका को जलाकर ये साबित कर दिया कि जब राम जी आएंगे तो विजय पा ही जाएंगे। वरदान दिया माँ सीता ने, वो वरदान क्या था? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अस्पर दीन जानकी माता।